ओ भाई साहब, क्या ही साउंड है बुलेट का। हेलो दोस्तों, टेक्निकल आर्मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बाइक मॉड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ ओपन एवी की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन एवी को इंस्टॉल कर लीजिए। ओपन एवी को इंस्टॉल करने के बाद इस बाइक मॉड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बाइक मॉड को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको ऐसा कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद और एक फोल्डर आएगा, उसको भी ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड्स फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए। उसके बाद 164 DLC पैक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ JD बुलेट 2.0 का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उस फोल्डर को GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा किया वो फोल्डर पर आ जाइए। आने बाद यहाँ रीडमी का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक लाइन मिलेगी, आइटम DLC पैक्स JD बुलेट 2.0 आइटम। इस लाइन को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मार्च में जाइए। उसके बाद अपडेट, अपडेट .rpf कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का एक टेक्स्ट दिख रहा है ना, टेक्स्ट को राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी की हुई लाइन को पेस्ट कीजिए। कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस बाइक को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस बाइक का मॉडल नेम आपको मैनुअली टाइप करना होगा, JD BULLET 2.0। इतना टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो बुलेट आ गई है। आप देख सकते हो, ओ भाई साहब, आप देख सकते हो बुलेट आ गई है। ओ भाई साहब, हम देख सकते हो। चलो अब हम इस बुलेट को ले लेते हैं। मैं आपको इसका साउंड फिर से सुना देता हूं। ओ भाई साहब, क्या ही साउंड है बुलेट का।
इसके हेडलाइट। इसके इंजन को आप देख सकते हो, इसका इंजन का कलर वाइट है और इसके मिरर्स के कलर भी वाइट है। इस बाइक के सेकेंडरी कलर को चेंज कीजिए, इससे इस बाइक का लुक ही चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। पेंट्स में जाने के बाद सेकेंडरी कलर में जाइए, उसके बाद इसे क्रोम कीजिए। आप देख सकते हो इस बाइक का लुक ही चेंज हो गया है। ओ भाई साहब, अब खतरनाक लग रही है बाइक। ओ भाई साहब, हम देख सकते हो। इसके इंजन के कलर को हमने क्रोम में कन्वर्ट कर दिए हैं, हम देख सकते हो। इसमें आपको एक्स्ट्रास भी मिल जाएंगे। हम देख सकते हो। ओ भाई साहब, इसकी हेडलाइट। इसमें आपको लेवरेज भी मिल जाएंगे। ओ भाई साहब, हम देख सकते हो। इसमें आपको लेवरेज भी मिल जाएंगे, ये हम देख सकते हो। ओ भाई साहब, ये भी खतरनाक है। आप देख सकते हो इसमें आपको लेवरेज भी मिल जाएंगे। चलो अब हम इस बाइक का नाइट का लुक देख लेते हैं। इसके हेडलाइट, चलो अब हम इस बाइक का साउंड और इस बाइक की टॉप स्पीड को देख लेते हैं। ओ भाई साहब, नाइन्टी, 100, 110, 120, 125, 130, 131, 132। ब्रेक्स, ओ ब्रेक्स भी मस्त है इस बाइक के। इसके हेडलाइट, तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।